आज की हमारी रिव्यू प्रोडक्ट है ऑरिफ्लेम की लव नेचर प्योरीफाइंग करेक्टिव स्टिक। तो चलिए चलते हैं इसके रिव्यू की तरफ। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटी फैमिली, मैं हूं इकरा फिजान। तो आज की हमारी रिव्यू प्रोडक्ट है ऑरिफ्लेम की लव नेचर प्योरीफाइंग करेक्टिव स्टिक। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए आने वाले रिव्यू से आप लोग अपडेट रह सके। तो बगैर वक्त जाया किए चलते हैं इसके रिव्यू की तरफ। तो ऑरिफ्लेम की ये जो लव नेचर प्योरीफाइंग करेक्टिव स्टिक है, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं और इसका मैं आज आप लोगों को पर्सनल रिव्यू भी दूंगी और इसके बारे में बताऊंगी कि ये क्या क्या काम करती है। तो ये स्टिक आप सबसे पहले देखें इसकी क्यूट सी पैकेजिंग, ठीक है, इसकी क्यूट सी पैकेजिंग है और ये लिपस्टिक टाइप में है आपके पास, ठीक है। आप इससे क्या क्या पर्पस को फुलफिल कर सकते हैं, ये आपकी कर रही होती है। इसके अंदर टी ट्री है, ठीक है, टी ट्री एंड लाइम है, टी ट्री और सैलिसिलिक एसिड है जो कि आपकी ब्लेमिशेस को, मतलब दाग धब्बों को दूर कर रहा होता है। फिर इसके अंदर दूसरी चीज जो मैंने बताई आप लोगों को, लाइम ऐड है। लाइम क्या कर रहा होता है, आपके स्किन को टॉन अप कर रहा होता है, मतलब स्किन को जो अनबैलेंस स्किन है कहीं से कैसे कलर की, तो वो एक जैसी स्किन कर देता है। और इसमें जो टी ट्री ऑयल है वो क्या कर रहा है, आपकी स्किन को मैच कर रहा है, ठीक है। ये प्रोडक्ट आप लोगों के पास डर्मा प्रूफ प्रोडक्ट है और पैराबेन फ्री प्रोडक्ट है। आप लोगों को इसका मैं बता दूं मल्टीपर्पज क्या है, ये ना सिर्फ आप लोगों की स्किन केयर प्रोडक्ट है बल्कि ये स्किन केयर के साथ साथ आप लोगों के मेकअप में भी इस्तेमाल होने वाली प्रोडक्ट है। अगर मैं आप लोगों को जूम करके दिखाऊं तो ये देखें मेरे पास ये स्टिक जो ग्रीन कलर में है, आप लोगों को खुद पता चल रहा है कि ये लिपस्टिक इसकी बॉडी है और ये इसको मैं जब अप्लाई करूंगी तो ये आप लोगों को नजर आ रहा है कि ये हमारी करेक्टिव, इसके नाम पर भी पता चल रहा है कि ये करेक्टिव स्टिक है जो कि आप मेकअप में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मेकअप में किस तरीके से अप्लाई करते हैं मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कहीं अगर आप लोगों के डार्क स्पॉट हैं तो कुछ निशान ऐसे होते हैं कि जिनको डायरेक्ट जो कंसीलर शेड होता है वो नहीं कर रहा होता हाइड, तो इसको आप हाइड करने के लिए सबसे पहले ये ग्रीन फ्लेवर अप्लाई कर लें, ठीक है, ये ग्रीन शेड। उसके बाद आप अपना जो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग कंसीलर होगा वो अप्लाई करेंगे और फेस पाउडर को अप्लाई करेंगे तो आपकी बहुत ज़बरदस्ती मैट से स्किन हो जाएगी और आपका जो निशान होगा वो छुप जाएगा। ये देखें, ये मैंने स्पॉट के ऊपर ही इसको लगाया है और अभी जस्ट ये ग्रीन लगा है, ग्रीन के ऊपर जब स्किन कलर का लगेगा कंसीलर तो ये बिल्कुल हाइड कर देगा इसको, निशान को, ठीक है। ये हमारे पास मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है और मल्टीपर्पज मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये एज अ स्किन केयर भी काम कर रही है और एज अ मेकअप भी काम कर रही है, तो एक प्रोडक्ट के बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। और मैं अपना पर्सनल इसको रिव्यू दूं तो बहुत ही कमाल प्रोडक्ट है और बैग फ्रेंडली है, इजिली आप अपने बैग में कहीं भी कैरी करके रख सकते हो, लेट नाइट आप इसको लगाओ और सारी रात लगा रहने दो। और पर्सनल रिव्यू की अगर मैं आप लोगों को बात करूं तो वही ये कि मैं अपने इवन इसको पिंपल्स में भी अप्लाई करती रही हूं और निशानों पे भी अप्लाई करती रही हूं, तो निशान इसने बहुत अच्छे तरीके से फेड किया है और इवन इसका काम मैट करना है स्किन को, तो जहां कहीं अगर पिंपल आ रहा होता है मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ ये, तो वो पिंपल जो होता है वो बिल्कुल फेड हो जाता है। मैक्सिमम 2 दिन का टाइम लगता है और इसका रिजल्ट इतना इस टाइम में मिल जाता है। बेहतरीन प्रोडक्ट है और मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ। आप लोगों ने देखा ही होगा इस स्टिक को यूज करते हुए कि इसकी क्वांटिटी मैंने कितनी यूज कर ली है, ये तकरीबन इतनी प्रोडक्ट है जो कि मैंने इसको यूज करके इतनी कर ली है और इतनी अभी भी एनफ है कि मैं आराम सुकून से इसको मैक्सिमम 3 से 4 महीने इसको अगर नॉन स्टॉप लगाऊं तो ये चल सकती है, ठीक है, और अगर गैप देकर लगाओ तो ये और टाइम चल सकती है। अगर आप लोगों को भी पिंपल्स का और अनइवन स्किन का और ब्लेमिशेस वगैरह, दाग धब्बों का, हर किसी को मसला होता है, अगर आप लोगों को भी ये मसला है तो आप लोग जरूर इस स्टिक को यूज कीजिएगा और यूज करके जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू सेंड कीजिएगा ताकि मैं भी देख सकूं आप लोगों के रिव्यूज। और मेरी रिव्यू वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नए आने वाले रिव्यू से आप लोग अपडेट रह सके। थैंक यू।